हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीषा मैम्स क्लास। डाउटनेट में आपका सभी का स्वागत है, बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है, हार्दिक स्वागत है ना। अब जिन बच्चों का नाम हार्दिक है तो वो मत सोचना कि हार्दिक का स्वागत है, सबका ही स्वागत है बच्चों। अच्छा ठीक है, तो चलो जोक्स पार्ट, मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर बच्चों। ठीक है, क्या पढ़ाती हूँ बच्चों? इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को, और आज हम पढ़ेंगे पोम पढ़ेंगे, लेसन वन रहेगा हमारा ये आज का। ठीक है, आज मैं पोम ख़त्म कर दूँगी, 8 लाइन्स की छोटी सी पोम है ये जो इंग्लिश लिटरेचर है बच्चों। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सी क्लास की है, क्या नाम है, वो सब मैं बताने के लिए यहीं पर हूँ बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों, ये जो हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज क्या डे है देखो, जल्दी से देखो, आज डे है वेंसडे। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को, ठीक है, मंडे लिख देती हूँ मैं आप लोगों के लिए, वेंसडे और फ्राइडे, ठीक है। मैं आप लोगों के पास क्या लेकर आती हूँ, क्लास 7 की इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। कोई डाउट, कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए, मैम अच्छे से समझाएगी। और हमारी पोम का नाम है गार्डन स्नेक। आपको पता है रिवीजन चल रही है, लास्ट टाइम शायद से ये हमने पोम करी नहीं थी, लेकिन आज हम ये करेंगे। बहुत छोटी सी पोम है, ठीक है, बहुत छोटी सी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज ही, और क्वेश्चंस के साथ साथ बच्चों हम लोग आप लोगों के साथ ये पूरी पोम भी करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस पोम को, ठीक है। लेकिन ये पोम करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को ना क्विज़ लेकर आऊँगी देखो। लेकिन क्विज़ आने से पहले ना मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। देखो आप लोगों को याद होगा कि जब हम स्कूल में जब हम जाते थे, और बच्चों हम क्या करते थे, स्कूल में बैठे होते थे, मैम बोलती थी, हम 7th क्लास में हैं, मैम बोलती थी बच्चों कल इंग्लिश की ग्रामर ले आना, कल हम ग्रामर पढ़ेंगे। लेकिन ग्रामर में क्या पढ़ेंगे मैम कभी कभी नहीं बताती थी, है ना। और क्या होता है कि हमें पता नहीं होता था, मैम बोलती है हमें नहीं पता होता था। लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरा हर एक बच्चा सुने, हर एक बच्चा ध्यान से सुने पढ़े, कि बच्चों आप लोग, है ना, आप लोग जो ये कर रहे हैं ना, उनको आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना समझना कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो, ठीक है। तो मैंने ना ये क्लास जो है आपकी ना डिवाइड कर रखी है क्विज़ के मीडियम से, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके लिए 3 क्विज़ लेकर आई हुई हूँ, और उस क्विज़ के बिहाफ पर मैंने ये क्लास को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ना बच्चों आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन लेकर आती हूँ। इस इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों मैं आप लोगों के पास क्या लेकर आ जाती हूँ, मैं लेकर आ जाती हूँ आप लोगों के पास क्विज़, ठीक है। ये जो क्विज़ है फर्स्ट 5 मिनट्स में होता है, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद हम लोग ना ये पोम करेंगे, पोम को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम वापस से 2nd क्विज़ लेकर आएंगे, और ये जो क्विज़ होगा ये आपका ना 15 से 25 मिनट्स के बीच में ही आ जाएगा, 15 से 25 मिनट के बीच में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने मतलब पोम को इतना एक्सप्लेन करा, फिर 15 मिनट में हम ये लिया है, जब 15 मिनट आ जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को पोम समझाई, फिर मैं आप लोगों के लिए क्विज़ लिया, ये 3rd क्विज़ होगा, ये आपका हो जाएगा 25 से 30 मिनट्स के बीच में, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 30 से 35 तक पहुंच जाए, लेकिन इस क्विज के बाद मैं आप लोगों की क्लास एंड कर दूंगी, ठीक है। इतना समझ आया बहुत अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बच्चों। तो उसी के साथ बढ़ते हैं आगे, ठीक है, और चलते हैं हमारे क्विज की ओर। तो हमारे पहले क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने खुल जा आ आ सिमसिम। द पोएट रन अवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कैमेलियन, अ मंकी, अ स्नेक, द बीहाइव। बताइए,
उसी के साथ आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द स्नेक राउजेस द सेंस ऑफ इन द ह्यूमन बींग्स. सेंस ऑफ वॉट, सेंस ऑफ किस चीज का? सेंस ऑफ डैश इन द ह्यूमन बींग्स. फियर, हेट्रेड, लव, रिवेंज. सेंस ऑफ डैश इन द ह्यूमन बींग्स. हो गया. तो उसी के साथ आते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन टाइम पर. तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा एक्सप्लेनेशन के लिए. द पोएट रन अवे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. जो पोएट थे वो भाग गए थे. क्यों? क्योंकि वहाँ पर कौन था, किसकी प्रेजेंस थी? कैमेलियन की थी, जो कलर बदलते हैं, गिरगिट होते हैं. मंकी था, स्नेक था या फिर बीहाइव थी? बताइए. इसका कैमेलियन भी नहीं था, मंकी भी नहीं थे, बीहाइव भी नहीं थे. करेक्ट आंसर क्या है? स्नेक. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. उसी के साथ बढ़ते हैं आगे. द स्नेक राउजेस द सेंस ऑफ डैश इन द ह्यूमन बींग्स. जो स्नेक है ना वो क्या क्या चीज़ उभार देता है ह्यूमन बींग्स में, इंसानों में क्या चीज़ लेकर आ जाता है, क्या जागृत कर देता है? डर, फियर, हेट्रेड, नफरत, लव, प्यार, रिवेंज, बदला. बच्चों बहुत सिंपल, नफरत नहीं, प्यार नहीं, रिवेंज नहीं. बच्चों डर पैदा कर देता है ना इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में. तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये समझ आया. चलो उसी के साथ आते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट पार्ट पर. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आपको बताऊंगे कि इस पोम में हम पोम करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स भी कर लेंगे. Have you ever seen, तो पढ़ते हैं इस पोम के बारे में. देखो स्टार्ट करने से पहले, Have you ever seen a snake fighting a mongoose? कभी देखा है आपने स्नेक और नेवले की लड़ाई? देखी है? मैंने देखी है, टीवी में देखी है बच्चों. ठीक है, वैसे असलियत में नहीं देखी. तो Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? हाँ, मैंने उनको उनके होल में, बिल में जाते हुए देखा है स्नेक्स को. मैंने पानी में तैरते हुए भी देखा है स्नेक्स को, लेकिन मैंने स्नेक और मोंगूस की फाइट नहीं देखी. नहीं देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी. आप मुझे बताएं कि क्या आपने कभी भी स्नेक को उसके बिल में जाते हुए देखा है? अच्छा, ये टीवी में देखा होगा तो तब भी देखा तो है ना. मैंने भी टीवी में देखा है, सामने से थोड़ी देखा होगा. पानी पे तैरता हुआ भी मैंने टीवी में ही देखा है बच्चों. और मोंगूज और स्नेक की फाइटिंग भी मैंने कहाँ देखी है? टीवी में देखी है. तीनों चीज़ें देख रखी है टीवी में. आप लोगों ने देख रखी है? नहीं देख रखी है तो आज ही आपको सर्च करना है मोंगूज और स्नेक की फाइट. ठीक है, स्नेक गोइंग इनटू अ होल, गेटिंग इनटू अ होल, या फिर आपको देखना है कि स्नेक स्विमिंग इन द रिवर और वाटर, इन द पूल. एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन बिलीव्स दैट स्नेक्स आर डेंजरस. ऑलमोस्ट हर कोई, देखो आप भी, आपके मम्मा पापा भी, हर कोई यही मानता है कि ना जो स्नेक्स होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं, उनमें पॉइजन होता है ना. बोलते हैं ना कि नहीं बोलते कि नहीं बोलते बच्चों? हर कोई डरता है, आप भी डरते हो. मैं तो बहुत डरती हूँ, एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं बच्चों. तो डरना बुरा नहीं है स्नेक से,
लेकिन हर किसी को ऐसा लगता क्यों है कि स्नेक्स बहुत खतरनाक होते हैं? फ्रेंडली भी तो हो सकते हैं। जरूरी है कि हर एक स्नेक खराब गंदा हो, हर एक स्नेक मार देता हो? क्या पता कुछ कुछ स्नेक्स प्यारे भी हो सकता है ना। क्योंकि देखो, हमने तो कभी सामने से स्नेक को पकड़ा नहीं, हमने तो कभी सामने से स्नेक को देखा नहीं। जितना देखा है, देखो पानी में तैरता हुआ देखा है तो देखा है कि अरे पानी में तैर कर किसी को डसने जा रहा है, देखा है तो होल में जा रहा है बचकर छुपकर, है ना। डिस्कवरी पर देखा ही है तो मैंने। और मोंगूज की एक सीरियल आता था टीवी पर स्नेक्स का, उस पर मैंने मोंगूज और स्नेक की फाइट देखी है। बहुत ही ऐसी होती है खतरनाक। तो इस पोम को पढ़ते हैं कि और किस इस पोम को पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि कुछ स्नेक्स जो कुछ सांप होते हैं ना, वो डेंजरस नहीं होते। रीड दिस पोम ऑन हार्मलेस गार्डन स्नेक। तो ये जो पोम है हम इसे पढ़ेंगे, और ये पोम एक सांप के बारे में है, स्नेक के बारे में, जो एक गार्डन का स्नेक है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, ये जो पोम है ना, एक बार हम इसके बारे में समझते हैं। गार्डन स्नेक बहुत ही एक डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से, बहुत सिंपली डिस्क्राइब करा हुआ है एक हार्मलेस स्नेक को। एक हार्मलेस स्नेक मतलब ऐसा स्नेक जो किसी को हार्म ना करे, किसी को परेशान ना करे, किसी को डस ना दे, किसी को चोट ना पहुंचाए। तो गार्डन स्नेक बड़ा ही हार्मलेस स्नेक है। बहुत सिंपलिस्टिक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, बहुत सिंपल वर्ड्स में पढ़ा बता रखा है। क्योंकि बच्चों ये जो पोम भी है ना, वो भी आपको पता है कितने लाइंस की है, टोटल 8 लाइंस की है। बहुत सिंपल है, 8 to 9 10 लाइंस। द यंग चाइल्ड नैरेटर इनकाउंटर्स अ स्नेक इन द गार्डन एंड रन्स अवे फ्रॉम इट आउट ऑफ फियर। तो ये जो नैरेटर है ना, यंग बच्चा है, यंग चाइल्ड है, वो ना गार्डन में देखता है, क्या दिखता है वो देखता है गार्डन में स्नेक, सांप। सांप कितना डरावना होता है ना, खतरनाक होता है। सब के सब डरते हैं, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी ताया ताई, है ना, सब डरते हैं। आप भी डरते हो, सब बच्चे डरते हैं। तो उसको भी डर लगा, उस नैरेटर यंग चाइल्ड को, और वो भागा भागा डर के मारे गार्डन से चला गया। क्योंकि उसने कहाँ देखा था, उसने देखा था गार्डन में। समझो, अच्छे से समझो, पहले पोम के बारे में समझिए। हाउएवर हिज मदर इन्फॉर्म्स हिम दैट सर्टेन काइंड्स ऑफ स्नेक्स आर नॉट डेंजरस एट ऑल। लेकिन उनकी मम्मा जो है ना, जब वो डर कर भाग गए थे, उनकी मम्मा ने बोला कि सारे सांप सारे स्नेक्स डेंजरस नहीं होते हैं, है ना। एक सेकेंड रुको बच्चों। उन्होंने क्या कहा कि सारे स्नेक्स डेंजरस नहीं होते। तो किसने कहा? उनकी मम्मा ने। क्योंकि जो बच्चा था ना, जो यंग चाइल्ड नैरेटर है, वो डर के मारे बच्चों, वो जब उसने देखा उस गार्डन में स्नेक है, वो भागा 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 डर के मारे गार्डन से चला गया। फिर जब वो अपनी मम्मा के पास गया, मम्मा ने समझाया। क्या समझाया? मम्मा ने समझाया कि ना सारे जो स्नेक्स होते हैं एक ही तरह के नहीं होते हैं, हर एक सांप डेंजरस नहीं होता है, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। और जो कुछ सांप होते हैं ना, वो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं, सिर्फ मच्छर वच्छर ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स ही खाते हैं। द यंग चाइल्ड नरेटर लूजेस हिज फियर देयर आफ्टर एंड बिगिन्स टू वॉच द स्नेक पास थ्रू द गार्डन। तो वो जो यंग चाइल्ड नरेटर है ना, जो नरेट कर रहा है इस पोम को, अभी जब हम पढ़ेंगे, तो उनके मन से ना वो डर निकल जाता है। और उसके बाद ना, वो जब भी वो स्नेक उस गार्डन से गुजरता है ना, तो वो उनको देखता है, उनको डर नहीं लगता। क्योंकि वो जो स्नेक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं। क्योंकि मम्मा ने जैसा बताया था, हर एक स्नेक खतरनाक नहीं होता। ठीक है, इतना समझ आया आपको कि ये जो हमारी पोम है वो किस चीज पर बेस्ड है। अब ये हमारी पोम है, बहुत छोटी सी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 लाइंस की है। हुँ?
अब देखो, अब सबसे पहले ना इसकी राइमिंग स्कीम निकालेंगे। राइमिंग स्कीम, अवे से गुड फूड, ए ए बी बी, ग्रास पास मिस्टेक स्नेक, ए ए बी बी बी। तो व्हाट इज द राइमिंग स्कीम? ए ए बी बी। ठीक है, ये समझ आ गया। चलो अब पढ़ते हैं। आई सॉ अ स्नेक एंड रन अवे, सम स्नेक्स आर डेंजरस एंड दे से, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। पूरी पोम एक बार आपको पढ़कर दिखाऊंगी, फिर लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, I'll stand aside and watch him pass and tell myself there's no mistake, it's just a harmless garden snake. मेरे साथ फिर रिपीट करना चाहेंगे आप लोग? गाएंगे मेरे साथ ये पोम? तो गाते हैं। I saw a snake and ran away. Some snakes are dangerous, they say, but mother says that kind is good and eats some insects for his food. So when he wiggles in the grass, I stand aside and watch him pass and tell myself there is no mistake, it's just a harmless garden snake. ठीक है, ऐसे पोम को ना जब जब हमारी जो पोम्स होती है ना उसको ऐसे ऐसे कॉन्ट्रास्ट में गाते हैं ऐसे राइमिंग स्कीम ढूंढने के बाद। ठीक है, इसमें हमारी कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच भी है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले समझते हैं। आई सो अ स्नेक स्नेक एंड रैन अवे, तो वो जो चाइल्ड यंग यंग चाइल्ड नरेटर है ना, तो वो कह रहा है कि मैंने ना एक स्नेक देखा, मैंने एक स्नेक देखा और मैं फिर वहां से भाग गया। मैंने वो स्नेक देखा और मैं वहाँ से बहुत भाग गया। सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से, क्योंकि कुछ जो सांप होते हैं ना वो बहुत खतरनाक होते हैं, डेंजरस। ठीक है, डेंजरस मतलब खतरनाक। तो कुछ जो स्नेक्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं, वो कहते हैं। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। वो कहते हैं कि वो जो गार्डन में आपने देखा ना वो स्नेक, वो तो बड़ा ही अच्छा है, बहुत काइंड है, बहुत शांत टाइप्स का सांप है, कुछ नहीं कहता, वो किसी को नहीं मारता। और वो कोई इंसान जानवर नहीं खाता, रैबिट चूहा कुछ नहीं खाता, वो तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। वो जो स्नेक है गार्डन में रहता है ना, गार्डन्स का स्नेक है, तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाता है। इतना समझ आया? बहुत सिंपल है ना। क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि उन्होंने ना एक स्नेक देखा, जो कि फिर उसको स्नेक को देखकर वो भाग गए, और फिर उनकी जब वो भाग गए डर के मारे, जब डर लग गया उनको वो सांप देखते ही ना, तो जब वो भाग गए तो ना डर के मारे आउट ऑफ फियर, तब उनकी मम्मा ने बोला कि सारे स्नेक्स बुद्धू डेंजरस नहीं होते, सारे सांप खतरनाक नहीं होते। ठीक है, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, लेकिन मम्मा कहती है कि ये वाला जो तब सांप है ना, इस प्रकार के सांप कभी भी खाते नहीं है किसी को, बस क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, और बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। कि बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड एंड ईट्स अप इंसेक्ट्स फॉर हिज फूड। नेक्स्ट पार्ट, सो व्हेन ही विगल्स इन द ग्रास, आई स्टैंड साइड एंड वॉच हिम पास। तो जब वो ग्रास में ऐसे 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 विगल कर करके ऐसे जा रहा होगा ग्रास में, तो मैं साइड में खड़े होकर देखूंगा कि वो कैसे गुजर रहा है।
एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक। और मैं फिर अपने आप को बोलूँगा, खुद को बोलूँगा कि अरे इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो एक हार्मलेस गार्डन स्नेक है, वो किसी को कुछ नहीं कहता है। समझे? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसी के साथ पढ़ते हैं। अब हमारा राइमिंग स्कीम क्या थी? ए ए बी बी। अब यहाँ पर देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आई सॉ अ स्नेक, यहाँ पर सम स्नेक्स, रिपीटेशन हो रही है ना, ऑलिट्रेशन आ रही है, वर्ड्स आ रहे हैं ना इकट्ठे, है ना, एस एस से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, और तो यहाँ पर ये क्या है, ऑलिट्रेशन है। और देखते हैं एंड टेल माय सेल्फ देयर इज नो मिस्टेक, इट्स जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक, बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। आई सॉ अ स्नेक दिस, बट मदर सेज एंड इट्स अ इंसेक्ट फॉर हिज फूड। ठीक है, बस एक ही है। ठीक है, बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही है ऑलिट्रेशन, बाकी आप लोगों को, आपके लेवल के लिए, आपकी क्लास के लिए ऑलिट्रेशन इज गुड, जब हमारे रिपीट होते हैं हमारे फर्स्ट इनिशियल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद द पोम का पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। वो लाइन ढूंढो जिसमें आपको पता चलेगा कि चाइल्ड जो है वो डरा हुआ, डरता है स्नेक से। क्या बोला था उसने? आई सॉ अ स्नेक इन रन अवे। सम स्नेक्स आर डेंजरस दिस, और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कुछ स्नेक्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट है, मतलब ये क्वेश्चंस हैं बच्चों। विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टूवर्ड्स स्नेक्स, रीड इट अलाउड। थर्ड पार्ट, इन सब के आंसर्स करेंगे बच्चों भी। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड, व्हाट इज मदर रेफरिंग टू? पहला क्वेश्चन है ये, करेंगे अभी। पहले क्वेश्चन देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, फिर क्विज पर आएंगे। फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू दिस, टू द स्नेक्स मूवमेंट्स इन द ग्रास। ठीक है, अच्छा, देर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम, से देम अलाउड। अ स्नेक हैज नो लेग्स नॉर फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन द ग्रुप, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? वेयर डिड यू केम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? चलो क्विज पर आ गए हैं, क्विज आ गया है। तो हमारा सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, खुल जा 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 सिम सिम। द मदर टोल्ड दैट अ गार्डन स्नेक वॉज डेंजरस, पॉइजनस, हार्मलेस देयर गेस्ट। बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। द पोएट लर्न अ लेसन टू हिट द स्नेक, स्टैंड असाइड क्वाइटली, रन अवे, वेट फॉर द गेस्ट। बहुत ईजी है ना? आते हैं उसी के साथ एक्सप्लेनेशन टाइम पर। तो हमारे सेकंड क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा।
द मदर टोल्ड दैट अ गार्डन स्नेक वॉज, मम्मा ने क्या बताया था कि वो जो गार्डन स्नेक है वो क्या है, डेंजरस है, खतरनाक है? नहीं, वो तो कुछ लोग कहते थे। अच्छा, पॉइसनस है? नहीं, जहरीला नहीं, उनका गेस्ट है? नहीं, क्या है, हार्मलेस है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया ये? चलो बहुत बढ़िया, उसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोएट लर्न अ लेसन टू, जो पोएट है वो लेसन लर्न करते हैं क्यों, स्नेक को मारने के लिए? नहीं, तो साइड में खड़े होकर चुपचाप से देखने के लिए, बिल्कुल सही। रन अवे? नो, वेट फॉर द गेस्ट? नो। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन ये देखो, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। पिक आउट द लाइन दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स। आई सो अ स्नेक एंड रन अवे। ठीक है ना ये? चलो, विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्नेक्स। रीड इट अलाउड। आई स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास। बिल्कुल सही। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि कौन सी लाइन दिखाती है कंप्लीट चेंज, वो बिल्कुल चेंज बच्चे के एटीट्यूड में स्नेक्स के लिए, के प्रति। वही बोलता है ना कि मैं उधर उसे साइड में खड़े होकर देखूंगा और उसे देखूंगा कि वो कैसे पास कर रहा है गार्डन को। बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड। वट इज़ मदर रेफरिंग टू? द मदर इज रेफरिंग टू द स्नेक्स, टू द गार्डन स्नेक। बढ़िया। फाइंड द वर्ड दैट रेफर्स टू द स्नेक्स मूवमेंट इन द ग्रास। विगल। ठीक है, देर आर फोर पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोम। गुड फूड, पास ग्रास, अवे से मिस्टेक स्नेक। बिल्कुल सही, पहले निकाल लिया था ये तो हमने। चलो बहुत बढ़िया। अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट, कैन यू गेस हाउ? डिस्कस इन द ग्रुप। अ स्नेक हैज़ नो लेग्स नॉर अ स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट, इट विगल्स ऑन द सर्फेस। ऐसे 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 ऐसे। कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज फॉर अ कोबराज लॉन्ग शार्प टीथ? वेर डिड यू कम फ्रॉम, वेर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड फर्स्ट? A cobra's long teeth are called fangs. I first came across this word on National Geographic Channel. मेको आपको पता था आपको कि उनके जो कोबरा के लॉन्ग लॉन्ग टीथ हैं वो उनको क्या बोलते हैं, फैंग्स बोलते हैं। मैम को भी नहीं पता था ना पहले, मैम को भी बाद में पता चला था, क्यों, जब मैम ने ये पढ़ी थी। आप लोगों को भी अभी पता चला होगा, राइट? ठीक है, समझे? उसी के साथ आते हैं बच्चों थर्ड क्विज पर। थर्ड क्विज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। द पॉपुलर बिलीफ इज दैट द स्नेक बाइट किल्स अ ह्यूमन बीइंग, फैंग्स ऑफ द स्नेक आर डेंजरस, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताइए। The popular belief is that the snake bite kills a human being. Fangs of the snakes are dangerous. Both of these, none of these. Snake bites kills a human being. Fangs of the snakes are dangerous. ठीक है, उसी के साथ आते हैं next question पर। The term used for the movement of the snake is. The term used for the movement of the snake is moves. Crawls, wiggles, none of these. Wiggles, if none of these.
जल्दी से बताइए बच्चों की करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो उसी के साथ बढ़ते हैं बच्चों एक्सप्लेनेशन टाइम पर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, द पॉपुलर बिलीफ इज दैट द स्नेक बाइट किल्स अ ह्यूमन बीइंग, है तो जो स्नेक बाइट है वो ह्यूमन बीइंग को मार देती है। बी फैंग्स जो होते हैं, फैंग्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, कोबरा के टीथ को बोलते हैं, ठीक है। फैंग्स जो होते हैं स्नेक के बहुत खतरनाक होते हैं। बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पर जो पॉपुलर बिलीफ तो यही रहता है ना कि जो स्नेक बाइट होता है वो इंसान मर जाते हैं, कहते तो हैं ही, सब जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इज, वो टर्म क्या होता है जो हम स्नेक की मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। मूव्स नहीं, क्रॉल्स नहीं, करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिगल्स, विगल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, तो ये मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई थी, आप ये देखेंगे। व्हाई डिड द नैरेटर रन अवे सीइंग द गार्डन स्नेक, तो नैरेटर क्यों भागा था, क्योंकि वो डर के आता ना। तो देखो, द नैरेटर थॉट द स्नेक टू बी डेंजरस एंड आउट ऑफ फियर ही रन अवे, आउट ऑफ फियर ही रन अवे लिख दो। आउट ऑफ फियर रन अवे भी करेक्ट है, आउट ऑफ फियर ही रन अवे भी करेक्ट है। What does a garden snake eat? Garden snake survives on insects. मम्मा ने बताया था ना कि वो तो insect खाता है। समझ आया कि वो तो क्या खाते हैं, insect खाते हैं। चलो एक और question देखो, What makes the child comfortable the next time he sees the garden snake? The first time the child sees the snake, he is overcome with fear. He has, इसके बदले क्या लिख सकते हो, He has overcome the fear. The first time the child sees the snake, he has overcome the fear with fear. However, in being told by his mother that this particular snake is not dangerous, the child becomes comfortable the next time he encounters the. The first time the child sees the snake, he has to overcome with fear. लिख दो. कि उसको फर्स्ट टाइम जब उसने देखा था वो डर गया था ना, तो ही इज ओवरकम, तो उसको ओवरकम करना है उस फियर से। लेकिन जब उसकी मम्मा ने बताया उस पर्टिकुलर स्नेक डेंजरस नहीं है, तो वो बच्चा कंफर्टेबल होता है, नेक्स्ट टाइम वो गार्डन स्नेक को इनकाउंटर करता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन, एक सेकेंड What lesson does the young child narrator learn from his mother? क्या lesson उस बच्चे ने, young child narrator ने अपनी mother से सीखा? The young child narrator in his ignorance had assumed all kinds of snakes to be dangerous. हर snake उनको लगता था कि dangerous होता है। However, जब उनकी mother से उन्होंने सीखा कि हर kind of snake is not dangerous, हर कोई dangerous नहीं होता, क्योंकि ठीक है, कुछ होते हैं, ज़्यादातर नहीं होते, तब ना उसके मन से दिस मेक्स हिम, वो उन्हें शांत कर देता है, और ना फिर वो गार्डन स्नेक को देखता है जब भी वो उसे दिखता है। ऑल्सो जो नैरेटर है उन्होंने लर्न करा दैट नॉलेज इम्पॉर्टेंट कितना है, गैदर करना नॉलेज किसी भी न्यू चीज़ों के बारे में, या क्रिएचर्स के बारे में किसी भी चीज़ का ओपिनियन बनाने का। पहले कोई भी आप ओपिनियन बना लो कि अरे ये तो स्नेक खतरनाक होते हैं, तो क्यों बनाना है, पहले उसके बारे में नॉलेज तो गैदर करो। समझे बच्चों? तो ये था हमारी पोम, छोटी सी 8 लाइन की पोम। मैंने आपके साथ इसमें जितना भी एस्पेक्ट था सब डिस्कस कर लिया, इस पोम में कुछ नहीं बचा बच्चों, ठीक है। तो उसी के साथ मिलेंगे वापस से कल। अल्टिल देन, अलविदा, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। मैम की क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर